ट्रेन में टिकट बुक करने के बाद कैसे हम लोग बोर्डिंग स्टेशन को चेंज कर सकते हैं, इसके लिए करना क्या होगा। सबसे पहले आपको IRCTC की ऐप ओपन करके आपको यहाँ पर बुक टिकट है उसको आप सबको ओपन करना होगा। इसे ओपन करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा माई डिटेल्स, जो हमारा टिकट वाला वो दिखाई देगा। उसके बाद जो भी पैसेंजर है उसका डिटेल दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबसे देखिए कोने में सबसे ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई देगा, उस पर क्या करना होगा आपको क्लिक करना होगा। क्योंकि उस 3 डॉट पर क्या होगा, जैसे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुल के मिलेंगे कि आपको टिकट कैंसिल करना है, क्या करना है। तो देखिए हमको क्या करना है, जो चेंज बोर्डिंग पॉइंट है उस पर क्या करना होगा, मुझे क्लिक करना होगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको प्लेजवेट का ऑप्शन आएगा। उसके बाद करना कि आपको यहाँ पर देखिए आ गया, और उसके बाद क्या करना कि आपको यहाँ पर जहाँ से ट्रेन चल रही है और जहाँ तक जाएगी वहाँ तक का पूरा ऑप्शन दिखाई देगा कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने स्टेशन आने वाले हैं और आप किस स्टेशन पर जाना चाहते हैं, मतलब वहाँ से मतलब आपका जो जो बोर्डिंग पॉइंट होगा वही होगा। तो वहाँ पर क्या करेंगे आप सिलेक्ट करेंगे, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से जो यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली है, मुझे क्या करना है वहाँ सिलेक्ट करना है, क्योंकि यह ट्रेन जो है हिसार से चलने वाली है और वहाँ से जाएगी गोरखपुर तक। तो मैं न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लिया, और जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा उसके बाद मुझे यहाँ पापा आएगा कि आप कंफर्म करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मुझे क्या करना है, कंफर्म करना है, मुझे कैंसिल नहीं करना है, तो मैं कंफर्म करूंगा। जैसे कंफर्म करूंगा मुझे क्या होगा, यहाँ पे आ गया कि आपका जो बोर्डिंग पॉइंट है वो चेंज हो गया है। और जैसे ही चेंज हो जाएगा उसके बाद आपके पास क्या होगा, एक ईमेल आएगा और साथ ही साथ आपको एक मैसेज भी आएगा। इस तरह से क्या होगा, जो भी आपका बोर्डिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पर दिखा भी दिया कि आपका बोर्डिंग पॉइंट चेंज हो गया है और IRCTC की तरफ से क्या आ गया, हमको मैसेज भी आ गया।